anatomy of flowering plant. So anatomy of flowering plants, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी कैसे होती है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट की हमने पीछे पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी, ये आउटर प्रैक्टिस कैसे होती है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं एनाटॉमी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, और इसके एनाटॉमी में क्या होता है, इसके एनाटॉमी में होता है देखो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर, इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है। और जो यहां पे बायोलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट सर्च कर रहा था एंड्रयू, इसके द्वारा सबसे पहले 1671 के अंदर टर्म दी गई थी, यानी एनाटॉमी, एनाटॉमी। और यहां पे क्या होता है, इसके अंदर इसने क्या ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, यहां पे इसने टिश्यू के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो टिश्यू होता है, टिश्यू, टिश्यू का भी जो फादर होता है, जो स्टडी किया गया टिश्यू, तो वो भी एंड्रयू के द्वारा दिया गया था इन 1682 के अंदर, 1682 के अंदर दिया गया था इसके द्वारा। यानी टिश्यू हम पढ़ते हैं, तो प्लांट टिश्यू है वो सबसे पहले, पैरेंटाइमल टिश्यू जो हम पढ़ते हैं उसको सबसे पहले किसने किया था, एंड्रयू ने 1682 के अंदर दिया गया था वर्ड। तो ये डेट जो है मेंशन करनी कंपलसरी है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं इसके अंदर प्लांट के टिश्यू के बारे में कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, प्लांट के टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा, प्लांट टिश्यू, प्लांट के दो तरह टिश्यू मेन होते हैं। एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड टिश्यू होता है जिसका नाम होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वेरियस टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और जो सेकंड टिश्यू होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो सेकंड टिश्यू होगा वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में मैं यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टिश्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर प्लांट ग्रोथ। सो ये कैसा टिश्यू होगा दोस्तों, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे टिश्यू कहते हैं यहां पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और जो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इस टिश्यू के अंदर जो सेल होती है थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल सेल विद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन काफी बड़ा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस होता है काफी बड़ा होगा और जो सेल होते हैं वो काफी छोटे होंगे, स्मॉल सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिखाई देगी इसके अंदर। यानी सेल यहां पे काफी ज्यादा छोटी मिलेगी, न्यूक्लियस यहां पे काफी ज्यादा बड़ा मिलता है और काफी ज्यादा डोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और बात करें अगर वैक्यूल की, वैक्यूल होती है, वैक्यूल इसके अंदर एब्सेंट होती है, वैक्यूल एब्सेंट मोस्ट ऑफ दी के अंदर क्या होती है, वैक्यूल होती है वो एब्सेंट होंगी, इसके अंदर वैक्यूल यहां पे प्रेजेंट नहीं। अगर इसमें और स्टडी करें, इसके अंदर आपको जो सेल है वो पैरेन्काइमेटस इनिशियल होती है, तो जो मेरिस्टमेटिक सेल होती है वो खुद भी क्या होती है, पैरेन्काइमस सेल से बनी होती है। तो मेरिस्टमेटिक सेल सेल इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर, मेन एक्चुअली मेरिस्टमेटिक सेल किससे बनी होती है, पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है, ये पैरेन्काइमा से बनती है। और क्या होता है सेल में, थिन सेल वॉल्स की थिकनिंग होती है, थिन सेल वॉल विद सेलोस की थिकनिंग, विद सेलोज। तो सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेलोज को जो लेयर होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है यहां पे, यानी थिन सेलोसिक लेयर आपको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा छोटी लेयर आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। अब देखिए इसके वेरियस टाइप्स, इसके वेरियस कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो टाइप होंगे इसके डायग्राम बेस पे, अगर मैं इसका डायग्राम एक लेबल करूं उस डायग्राम के बेस पे इसके दो तीन टाइप बनेंगे, वो आप यहां पे एक्सप्लेन करोगे। देखो ये डायग्राम होता है इसका, एक ट्री है, एक प्लांट है, इसकी जो टिप होती है यहां पे, इस टिप के अंदर मैनेजमेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसकी टिप के ऊपर यहां पे मैनेजमेंट टिश्यू प्रेजेंट मिलेगा। और जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू यहां पे तो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं यहां पे अपाइकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अपाइकल सिंपल नहीं बोलते, इसको अपाइकल सूट भी लिख सकता, अपाइकल सूट मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और यहां भी टिश्यू होता है यहां पे, बिल्कुल नीचे की तरह आपको यहां मिलेगा, ये जो यहां पे टिश्यू प्रेजेंट होगा इसके हम, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अपाइकल रूट मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो दो पोजिशन तो होगी टिप के ऊपर, एक बिल्कुल ऊपरी तरफ, एक बिल्कुल नीचे की तरफ। अब इसके साथ में यहां से निकलता है, यहां पे
किस तरह से निकलता है। और यहां पे तो आपको दिखाई देगा इस पोजीशन पे, यहां पे इस पोजीशन पे, इसे कहते हैं इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमल टिश्यू इसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमल टिश्यू। और एक मेरिस्टेमल टिश्यू इसका आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यहां पे इस मेरिस्टेमल टिश्यू को कहते हैं यहां पे लेटरल, लेटरल या प्रोकैम्बियम बोलते हैं इसको, लेटरल भी कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये दो क्वेश्चन यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये कुल यहां पे टोटल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 फोर टाइप के मेरिस्टेमल टिश्यूज होते हैं इसकी पोजीशन बेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े इसके, नेक्स्ट जो आता है इसके डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा। देखो अपाइकल जो मेरिस्टेमल टिश्यू होता है, अपाइकल और अपाइकल दोनों ही हो गए, अपाइकल शूट और रूट दोनों की बात करिए, अपाइकल शूट और रूट दोनों के दोनों मेरिस्टेमल टिश्यू होते हैं, दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू पुट होते हैं। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमल टिश्यू होता है ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू पुट होता है, बट ये जो लेटरल मेरिस्टेमल टिश्यू होता है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको। ये दोनों ही, ये तीनों जो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके बारे में लिखेंगे आगे ये डायग्राम के बाद। नंबर फर्स्ट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टेमल टिश्यू अपाइकल मेरिस्टेमल टिश्यू में क्या होगा, इस मेरिस्टेमल टिश्यू में इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप, इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, फिर क्या मिलेगा, ये जो मेरिस्टेमल टिश्यू होता है यानी जो फर्स्ट मेरिस्टेमल टिश्यू हम टाइप्स में कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमल टिश्यू में अपाइकल मेरिस्टेमल टिश्यू, ये ऐसा टिश्यू होगा जो रूट की टिप के ऊपर और सूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी सूट और रूट की जो टिप होती है वहां पे आपको ये प्रेजेंट मिलेगा टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इट इज एक्टिव फॉर डिवीजन, एक्टिव फॉर डिवीजन, ये डिवीजन के लिए एक्टिव होता है, ये टिश्यू क्या होता है डिवीजन के लिए एक्टिव रहेगा, ये ने डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा ये। और क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर जो ये सूट के बिल्कुल टिप पे होता है रूट के कैप के नीचे होता है, इन रूट इट इज प्रेजेंट जस्ट beneath, just beneath the, ये उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, जस्ट बिनिथ द रूट कैप, जो रूट कैप होती है जो बिल्कुल टिप पे मिलती है उसके जस्ट बिहाइंड मिलता है, जो जस्ट पीछे मिलता है उसके जस्ट बिनिथ मिलेगा ये रूट कैप के। और ये टिश्यूज होता है ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो द प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसके लिए टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाता है ये टिश्यू। और जो नंबर सेकंड टिश्यू होगा उसका नाम होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मैनेजमेंट टिश्यू। जो इंटरकैलरी मैनेजमेंट टिश्यू होता है ये टिप की इलोकेशन या नोड्स होते साइड में, नोड्स की इलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड इलोकेशन। यानी इंटरनोड को अराइज करवाता है ये टिश्यू का काम होता है, इंटरनोड को अराइज करवाने से फंक्शन होता है। और ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी, इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी मैनेजमेंट टिश्यू। ये भी एक प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू होता है, यानी एक ऐसा मेरिस्टेमल टिश्यू होता है जो प्लांट की ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है प्लांट की, उसे कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू। तो ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, इसी कारण से प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू करवाते हैं। तो ये दो ही टिश्यू होते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेमल टिश्यू आते हैं, कहता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी। और तो एपिकल मेरिस्टेमल टिश्यू जो मैंने पढ़ा था उसके जो एक्शन होते हैं वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होते हैं। तो उसमें एक लाइन और लिख सकते हैं आप, ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ। तो अपाइकल के टिप के ऊपर जो स्पेशल सूट में होता है वहां पे ऑक्सिन हार्मोन होता है, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर भी आ सकता है अपाइकल के अंदर। और जो नंबर थर्ड टिश्यू हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंजियोजेन क्वेश्चन पूछना है इसमें कोई किसी को, नहीं। नंबर थर्ड जो टिश्यू आता है, नंबर थर्ड टिश्यू इज द लेटरल मेरिस्टेम। या सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके अंदर क्या हुआ, दिस टिश्यू प्रेजेंट, ये टिश्यू प्रेजेंट होगा कहां प्रेजेंट होगा, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन, ये टिश्यू प्रेजेंट होगा कहां प्रेजेंट होगा, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन द इनवॉस्कुलर बंडल्स, इनवॉस्कुलर बंडल्स, वॉस्कुलर बंडल्स। वॉस्कुलर बंडल में कौन कौन सा आता है, वॉस्कुलर बंडल में मेनली हम रखते हैं यहां पे जाइलम एंड फ्लोएम।
ये डाइकोट के अंदर दिखाई देगा, इट इज नॉट एबसेंट, इट इज एबसेंट द मोनोकोट। याद रखना ये नीट के अंदर क्वेश्चन पुट हुआ था, ये किसके अंदर एबसेंट होता है, ये मोनोकोट में एबसेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन द डाइकोट, ये सिर्फ डाइकोट में प्रेजेंट होता है। इट इज एबसेंट इन मोनोकोट। जो मोनोकोटिलेडन प्लांट होता है उनके अंदर क्या मिलेगा, ये एबसेंट मिलता है। ये क्या करवाता है, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल ये जो टिश्यू होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है लाइक स्टेम की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती है, इन स्टेम का जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये बेसिकली होती है स्टेम की जो थिकनेस बढ़ती है, इस थिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होता है, वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करवाता है, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, स्टेम की जो थिकनेस होती है, विड्थनेस होती है, सो स्टेम की विड्थ होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ, इस सेकेंडरी ग्रोथ को लेटर मेरिस्टेम करवाता है। हाँ, ये कुछ और पोजिशन पर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है पैरेन्काइमल सेल प्रेजेंट होती है, तो ये पैरेन्काइमल सेल के साथ में प्रेजेंट होता है वहां पे, यानी कॉर्टेक्स पार्ट में। तो ये था लेटर मेरिस्टेम के बारे में, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, मेरिस्टेमल टिश्यू। अब यहां पे कुछ